إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی اور ظاہر بات ہے کہ جتنی ایک آیات کریمہ میں عناوین موضوعات ہوتے ہیں وہ ایک خطبے میں مکمل نہیں کیے جا سکتے اس کا کوئی ایک حصہ ایک پہلو اور ایک موضوع اس پر بھی حقیقتاً بات مکمل نہیں ہو پاتی قرآن مجید اللہ ذو الجلال والاکرام کا کلام ہے اللہ کا کے بول ہیں اور جس طرح کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملک الکلام کہ بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن یہ کلام
तो मालिकुल मुल्क का है, रब्बुस समावात वल अर्श का है। उस कलाम की जितनी तौजीहात मानी और मतालिब हैं उनको एक मजलस में किस तरह समेटा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताब, कि अल्लाह ने नाजिल किया है बेहतरीन किताब। नाजला और नज़ला में फ़र्क, नाजला के माना होते हैं यकबारगी नाजिल करना, नज़ला और तंजील के माना होते हैं नजमन नजमन, बारी बबारी, मौका बमौका कलाम नाजिल करना या बात करना। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ये बेहतरीन कलाम मैंने यक बारगी नाजिल नहीं किया, जिस तरह तौरात या इंजील अल्लाह जुलजलाल वल इकराम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यक बारगी अता फरमा दी थी, लेकिन ये कुरान मजीद अल्लाह का जो कलाम है ये अल्लाह जुलजलाल ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल किया। मौका महल की मुनासबत, मोतरजीन के एतराज़ात के जवाब में, वो मोतरजीन मुशरिकीन मक्का हों, मदीना तैयबा में यहूदी या मुनाफिक हों, या बाहर से आए हुए ईसाई हों, उनके सवालात या उनके एतराज़ात, उनके जवाब में अल्लाह सुबहानहु व ताला ने मुख्तलिफ़ अनामीन पर उन सवालात के तनाजुर में इन आयात मुबारक को नाजिल किया है। और फिर इसको अल्लाह सुबहानहु व ताला ने फरमाया कि अहसन, सबसे अच्छी बात, मैं इसका तर्जमा किया करता हूँ बेहतरीन कलाम। उमूमन उलमाए किराम इसम तफजील का माना सबसे अच्छा करते, जिसका मंतकी नतीजा ये है कि कोई और कलाम भी अच्छा है, लेकिन उन कलामों में सबसे अच्छा कुरान ये। लेकिन हर जगह ये इसम तफजील का माना नहीं होता, इसम तफजील के ये माना हर जगह नहीं होते। जिस तरह के अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सवीयन अला सिरात मुस्तकीम, कि जो सर के बल चल रहा है, सर के बल चल रहा है वो हिदायत पर ज़्यादा है या वो जो सीधे पहुँच चल रहा है। अब यहाँ हिदायत की तकसीम नहीं है, ये मतलब नहीं है कि जो सर के बल उल्टा चलता है वो भी सीधे रास्ते पर, वो तो है ही गुमराह। वो रास्ते किस पर है, इसलिए यहाँ अहदा के माना बेहतरीन हिदायत देने वाला, यहाँ इसी तरह आसन बेहतरीन किताब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आसन अल क़िसस नाजिल किया है तुम पर, वहाँ भी यही जुमला बोला है। तो क्या मतलब है, वहाँ भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही तमाम किस्सों से बेहतर है, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, असहाबे काफ का किस्सा है, दूसरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की किस्स, वो अपनी बेहतरी में और हिदायत में हमारी राह, वो अल्लाह ने बेहतरीन किताब नाजिल की और ये बेहतर मुतअद्दद मानी में इस्तेमाल किया जाता है। उलमाए मुफस्सिरीन रहमहुल्लाह ने ये क्यों आसन है, सबसे बेहतर क्यों है, सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए कि ये कलाम, ये किताब लिखी लिखाई किसी इंसान की नहीं है, अल्लाह वादा उला शरीक की, अल्लाह का रब कलाम है। जाहिर बात है कि अल्लाह के कलाम के मुकाबले में किसी के कलाम की कोई हैसियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में अक्सर ये बात इरशाद फरमाई जो हम आप भी सुनते हैं यहाँ,
हाफिज साहब की ज़ुबान से भी और मैंने भी वो अल्फाज दोहराए हैं आपके सामने, इन्ना खैरल कलाम कलामुल्लाह व खैरल हदी, पहले कलाम है यहाँ हदी है। इन्ना एक हदीस में नसाई की रिवायत में इन्ना आसनल कलाम कलामुल्लाह व इन्ना आसनल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कलाम के एतबार से सबसे बेहतर किसका कलाम? अल्लाह वादा उला शरीफ, बेहतरीन कलाम अल्लाह सुबहानहू व तआला का है, ये अल्लाह का कलाम है। लिखी लिखाई किताब नहीं, लिखी हुई किताब या सहीफा नहीं है, बल्कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जिब्राईल अमीन के ज़रिए जिब्राईल को पैगाम दिया। अल्लाह दुल जलाल के इस बंदे ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम मिन वन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और नबी अलैहिस्सलाम ने आगे सहाबा इकराम को पहुँचाया और आज तक वो उसी तरह महफूज है और क़्यामत तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। बल्कि मैं कहा करता हूँ कि कुरान मजीद के अल्फाज ही नहीं, ये बात समझिए, कुरान मजीद के अल्फाज ही नहीं बल्कि इसके लिखने का, मुसहफ के लिखने का जो उसलूब था, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह लिखवाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिस तरह जमा करवाया, फिर जिस तरह हज़रत उस्मान गनी ने उसके नुस्खे बनवा के 5-6 मुख्तलिफ शहरों में हिफाजत के लिए भिजवा दिए, जिस तरह वो लिखे हुए थे, आज भी हमारे हाथ में उसी तरह लिखा हुआ है, उसी तरह लिखा हुआ है। जहाँ आयात हैं वहीं आयात हैं, किसी और जगह आयत नहीं है, उसी जगह आयत है जहाँ अल्लाह दुल जलाल वाले इकराम के प्यारे पैगंबर ने आयत की निशानदेही की है। जहाँ आयत नहीं है वहाँ नहीं है। एक सीधी सी बात देखिए, हम इब्तदा कुरान मजीद में क्या पढ़ते हैं? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, तीन अरफ हैं। अलिफ लाम मीम के बाद क्या है? आयत की निशानी। आप देखें कि कुरान मजीद में अलिफ लाम मीम के बाद आयत की निशानी, यहाँ पहले पारे में नहीं बल्कि जहाँ अलिफ लाम मीम है वहाँ आयत की निशानी है, मगर तीन हरूफ, हरूफ मुकत्तआत के और भी हैं, दो भी हैं, तीन भी हैं, एक भी है, चार भी है, पांच भी है, लेकिन आप देखिए अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा तीन ही अरफ हैं, जहां भी अलिफ लाम रा है वहां आयत की निशानी नहीं है, वहां आयत की निशानी नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे या सोचे कि जी अलिफ लाम मीम के बाद भी तो आयत की निशानी है, ये तीन हरफ हैं, तो अलिफ लाम रा भी तो तीन ही हरफ है, वहां भी आयत की निशानी दे देनी चाहिए। आज तक ये निशानी देने की किसी ने जुरत नहीं की। ये बात बतलाती है, बहुत सी मिसालें हैं इसकी, ये बात बतलाती है कि कुरान मजीद के अल्फाज ही नहीं इसके औकाफ भी महफूज हैं। औकाफ जहां वक्फ है, जहां वक्फ नहीं है, जहां ठहरना है, जहां नहीं ठहरना, ये सारी तफसीलात अल्लाह के फजल व करम से कुरान मजीद से पता चल जाता है। ये अल्लाह का कलाम है, इंसान का कलाम नहीं है। एक दौर में बल्कि आज भी मदारिस में जो किताब शरा अकायद पढ़ाई जाती है, आप साहब को तो इलम है, उसमें पढ़ाया जाता है ये कलाम अल्लाह दुल जलाल का नहीं है, ये कलाम नफसी है, ये कलाम नफसी है। नफसी कलाम किसको कहते हैं? जो आपके इरादे में है, जो आपके दिल में है, यानी आप कोई काम करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग और दिल में कोई बात, कोई मौजू, कोई उन्वान रखते हैं या नहीं, फिर उस उन्वान को जुबान पे लाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह दुल जलाल का ये कलाम नहीं, ये कलाम नफसी है, और ये कलाम अल्लाह दुल जलाल ने जिब्राईल में पैवस कर दिया, जिब्राईल ने आके नबी अलैहिस्सलाम को समझाया ये अल्लाह का कलाम नहीं। और ये अकायद की किताब शरा अकायद में भी है, पहले बिदती फिरके जो मोतजला थे, जो जामिया थे, उनका तो ये अकीदा था ही लेकिन ये एतिकादी मुँह शगाफिए और एतिकादी भूल भूलिए, मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं समझ पाएंगे।
दलायल और भी हैं, बहुत दलायल हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। एक ही सिर्फ बात समझिए कि अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, इज़ा अरादा शयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अब यहां इरादा और है, फयकून लहू कुन और है। इज़ा अरादा शयन, इरादा करने के बाद फयकून लहू कुन, फिर अल्लाह फरमाते हो जा, वो हो जाता है। अब अल्लाह जुल जलाल जब कहते हैं कुन, तो ये अल्लाह का कलाम है या नहीं, ये अल्लाह का बोल है या नहीं। यकून कह, अल्लाह ने फरमाते हैं यकून लहू कुन, अल्लाह कहता है हो जा, वो हो जाता है। अल्लाह कहता है कुन हो जा, वो हो जाता है। अब अगर अल्लाह का कलाम मखलूक है, माद अल्लाह सुमा सफुल्ला, तो फिर कुन मखलूक है, फिर मखलूक कुन का लफ्ज जो है ये मखलूक है? नहीं, कुन का लफ्ज अल्लाह का कलाम है। इससे यह भी पता चला कि कलाम पहले है, मखलूक बाद में, फर्क समझे। पहले कलाम है, वो कलाम क्या है? कुन। उसके बाद मखलूक पैदा होती है, मखलूक वजूद में बाद में आती है, कलाम पहले है। आप देखिए इसी कलाम के हवाले से आप सूरत काफ में पढ़ते हैं, अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया कि अगर ये समुंदर और ये सारे दरख्तों की कलमें बना दी जाए और समुंदरों की स्याही बना दी जाए, तो और लिखना शुरू कर दिया जाए ये सारे समुंदरों की स्याही और दरख्तों के कलम, ये खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का कलाम खत्म नहीं होगा, अल्लाह का कलाम खत्म नहीं होगा। क्यों? बात समझिए, ये जिस आयत, जिस पस मंजर में अल्लाह ने फरमाया वो और बात है, वो लुत्फ की बात कुछ और भी है, लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहता। आप ये समझे कि अल्लाह ने फरमाया कि ये सारा समुंदर जो सारी जमीन को घेरे हुए, अल्लाह अकबर कबीर, सारी जमीन को क्या है, घेरे हुए, और जमीन आसमानों के मुकाबले में एक कितना सा गोला है, आप फोटो में तस्वीर में भी देखते हैं, छोटा सा गोला है, और सूरज के मुकाबले में बहुत छोटा है ये जमीन। अब इसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि सारे समुंदर से ही बन जाए, सारे दरख्त कलमे उनकी बना ली जाए, स्याही खत्म हो जाए, कलमे भी टूट फूट जाए, मगर अल्लाह का कलाम खत्म क्यों? ये कैसे जी? बज़ाहिर हमारी अकल में ये बात नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं बल्कि इसी तरह मैं और दरख्त उगा दूं, समुंदर खत्म हो जाए, मैं और समुंदर बना दूं, उनकी भी स्याही बना लो, उनकी भी कलमे बना लो, वो भी खत्म हो जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का कलाम खत्म क्यों? इसलिए कि अल्लाह अजली है और अबदी है, ये मखलूक है, इसको फना है, अल्लाह को फना नहीं। बात समझे? अल्लाह के लिए फना, खात्मे का कोई तसव्वुर, इख्तिताम का कोई तसव्वुर नहीं। इख्तिताम का तसव्वुर मखलूक का है, जितनी मखलूक है वो सारी इख्तिताम पजीर होगी, जितनी मखलूक है वो सारी इख्तिताम पजीर होगी, खत्म होगी। ये मखलूक पहले भी नहीं थी। सही बुखारी में क्या है? कान अल्लाह वलम यकुन शय, अल्लाह था कोई चीज नहीं थी, अल्लाह था कोई चीज नहीं थी। एक वक्त आएगा अल्लाह सारी मखलूक को मार देगा, सब खत्म हो जाएगी, इंसान ही नहीं, जिन भी, हैवानात भी, फरिश्ते भी, जिब्राइल भी, सबसे आखिर में मलकुल मौत मरेगा। अल्लाह फरमाएगा मौत मरो, मर जाओ, वो भी मर जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जब कोई चीज ना थी तब भी अल्लाह था,
जब ये थी और इस ये भी सब मखलूक खत्म हो जाएगी, बचेगा कौन? एक अल्लाह। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। किस किस बात का तज़किरा करो? कुरान मजीद में जहां कहार का लफ्ज़ आया है वहां वाहिदुल कहार ही आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाह खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जितने तुमने बना रखे हैं, जिनकी परस्तिश करते हो, जिनकी परस्तिश करते हो अल्लाह के अलावा, वो बेहतर है या अकेला जो सब पर गालिब है? देखिए, अकेला सब पर गालिब है, ये सिफत सिर्फ अल्लाह की, ये सिफत है सिर्फ अल्लाह की है कि वो अकेला है और सब पर गालिब है। दुनिया में कोई मखलूक सब पर गालिब नहीं। हत्ता कि सिकंदर जो हफ्त अकलीम का बादशाह था, वो भी सब पर गालिब न था। कोई बादशाह, कोई इंसान अकेला जिंदगी गुजार सकता है? तन तिरहात गुजार सकता है? वो तन तिरहात तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रहना पसंद ना किया। समझ गया बात या नहीं? आदम अलैहिस्सलाम ने वहां कहा कि मुझे या अल्लाह मोनस दे, मैं अकेला हूं यहां। इंसान अकेला कहीं नहीं रह सकता, इंसान के लिए दूसरा चाहिए, बीवी चाहिए, औलाद चाहिए, भाई चाहिए, अजीज चाहिए, बाजार में काम करने वाले चाहिए, नौकर चाहिए, बाल काटने वाले चाहिए, जूते बनाने वाले चाहिए, ये सारे एक दूसरे की मोहताज हैं। लेकिन अल्लाह कभी किसी एक बादशाह बादशाह है तो वो फौज का मोहताज है, वो असलहा का मोहताज है, वो असला जिसके पास होगा वो गालिब होगा। लेकिन अल्लाह जुल जलाल को ना असले की जरूरत है, ना मुआविन और मददगार की जरूरत है। अल्लाह ने तो एक ही जुमला कहना है और सब कुछ हो जाना है। नमरूद, उसने क्या किया था? अलाओ, आग का अलाओ तैयार किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें झोंकने के लिए, और इतना बड़ा अलाओ, आप अंदाजा करें कि मुफस्सरीन ने बाद में लिखा है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह दुल जलाल के अलावा जिनकी परस्तिश की जाती थी उस वक्त, सूरज की, चांद की, सितारों की, बुतों की, इन सब की पूजा की जाती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, ये जिन जिन की जो जिन की पूजा करता था, मेरा ये काम हो जाए, मैं इब्राहिम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां लाके इसमें डालूंगा। नजरें मानते थे, मन्नतें मानते थे कि आग भड़काने के लिए, इब्राहिम को जलाने के लिए, कि हमारे माबूदों के खिलाफ इब्राहिम आवाज उठाते हैं, हमारे इलाह के खिलाफ, इलाहों के खिलाफ इब्राहिम बोलते हैं, जला दो इसे, सारी कौम इब्राहिम के वो दुश्मन है। सवाए एक बीवी की और सवाए एक भतीजे के और कोई साथ नहीं। बिलाखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंका गया, और वो झोंकने की भी दास्तान अजीब है। जब डाला गया, डालने लगे, हुआ क्या? सिर्फ अल्लाह ने ये फरमाया, नार कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम। बारिश की जरूरत नहीं, हवा की जरूरत नहीं, अल्लाह चाहते बारिश बरसा देते, अल्लाह चाहते हवा को भेज के, और पहले एक कौम हवा के जरिए बर्बाद हुई। कौन सी कौम? जो कहती थी मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, कितना बड़ा इबरत का निशान है मेरे भाइयों, जरा गौर फरमाओ, जो कौम कहती थी मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, हमसे ताकत और कुव्वत में ज्यादा कौन है? अल्लाह जुल जलाल ने एक लतीफ चीज भेज के मिलियामेट कर दिया। ये लतीफ चीज हवा, हवा की वो हवा का दिफा ना कर पाए,
हवा से बचने की सबील ना बना पाए, जिन्होंने पहाड़ों को कुरेद कुरेद के घर बनाए थे, वो हवाओं के जरिए ढेर हो गए। ये ढेर या नहीं किए, उसी आग को अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए फिर नमरूद और उसके पूरे लाओ लश्कर को अल्लाह दुल जलाल आग में झांस देता, लेकिन अल्लाह ने नहीं किया ऐसा। अल्लाह की कुदरतें अलग है, हर एक के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। यहां सिर्फ ये फरमाया, या नार ऊनी बर्दों व सलाम अला इब्राहिम, बस नार में हरारत है तो उसके लिए हुई, पानी में तरावत है प्यास बुझाने की, तो ये किसने कुव्वत इसमें रखी है? अल्लाह दुल जलाल वाले कराम। वरना ये पानी पिए जाओ, अल्लाह ना चाहे ये प्यास खत्म नहीं कर सकता, ये पानी प्यास खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह ना चाहे तो ये आग जितनी भी जलाओ ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह ने इनमें कुव्वत जरूर रखी है, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह दुल जलाल की मुती और फर्मबरदार है। अर्ज करने का मकसद ये था कि एक वाहिद एक कहार वो सिर्फ कौन है जो अकेला है और सब पर गालिब है, ना अल्लाह का बाप, ना अल्लाह की बीवी, ना अल्लाह की औलाद, ना अल्लाह दुल जलाल वाल इकराम के कोई रिश्तेदार। अल्लाह अकेला, जब कोई नहीं था तब भी अकेला, जब सब खत्म हो गया तब भी अकेला। यहां मैं एक बात कहनी जरूरी समझता हूं, हमारे सूफिया सूफी कराम, सूफी अजम का भी बड़ा दौर दौरा है, सूफी अजम का भी बड़ा दौर दौरा है और हैजा है सूफियत का। ये नहीं समझते कि सूफियत के बरगोबार क्या है। हदीस बना रखी है सूफियों ने, कुन तो खनजन मख्फियन, मैं मख्फी खजाना था, फाहबबतु अन औरफ, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो तो मैंने मखलूक को पैदा किया, मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान हो, को मुझे पहने पहचानने वाला हो तो मैं क्या हूं, पहचाना जाऊं। मुझे आप बतलाए, इसका मतलब यह है कि अल्लाह दुल जलाल अपने तारफ और अपने अपनी मार्फत के लिए मोहताज है। माज़ अल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, अगर ये बहाला कि ये हदीस नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम का कतन फरमान नहीं है, बल्कि झूठ है जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मनसूब किया गया। मानवीय एतबार पर इश्काल ये है कि अगर ये बात है तो इसका मतलब अल्लाह तो मोहताज हुए अपने तारुफ के, हम तारुफ के मोहताज हैं, अल्लाह तारुफ का मोहताज है। अल्लाह अल्लाह है, कोई उसको जाने या ना जाने, कुफार अल्लाह को नहीं जानते, मुशरिकीन मा कदरुल्लाह हक्का कदर ही नहीं पहचानते, अल्लाह फिर भी पहचाना जाता है। अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह को पहचानने वाले हैं, अगर कोई भी ना हो अल्लाह फिर भी किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए सब पर गालिब, सब पर क्या है कंट्रोल, और सब पर कादिर वो सिर्फ एक हस्ती। इसलिए जहां भी कहार का लफ्ज आया है साथ वाहिद आया है कि वो एक ही गालिब है, वो एक ही गालिब है, अल्लाह के अलावा और कोई गालिब है अकेला नहीं। अकेले का तो घर नहीं चलता, और बाहर का काम किस तरह संवरेगा, उसका तो घर नहीं संवरता ना, नहीं चलता अकेले का, चल जाता है ईमानदारी से सोचो, नहीं चलता। लेकिन अल्लाह दुल जलाल अकेला है और सब पर गालिब, ये उसकी शान है। इसलिए ये कलाम किसका है? अल्लाह का। मैं कह रहा था कि ये कलिमात अल्लाह फरमाते हैं ये खत्म नहीं होंगे, स्याहियां समुंदर बना दी जाए, समुंदर स्याहियां बना दी जाए, खत्म हो जाए, दोबारा समुंदरों को वजूद दिया जाए और स्याही बना दिया जाए, वो कलिमात लिखना शुरू कर दे, लेकिन वो समुंदर भी खत्म हो जाए, मेरे कलिमात खत्म नहीं, क्यों नहीं होंगे ये, क्यों खत्म नहीं होंगे? अल्लाह इसलिए कि ये सारी चीज इनको फना है, वो जात बाकी है, बाकी रहने वाली जात अजली और अब्दी जात वो है।
और यहाँ ये बात भी जान ले, दिल चाहता है कि वो भी इशारा कर दूँ। ये अल्लाह दुल जलाल ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। पहले ये फरमाया कि ईमान वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत, हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जन्नत में। अल्लाह नसीब में फरमाए, अल्लाह हमारे नसीब में फरमाए। उसके बाद ये बात कही है, उसके इसके बाद ये बात कही है कि अगर समुद्रों को स्याही बना दिया जाए और दरख्तों को कलमे बना दिए जाएं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका पहली आयत से रबत क्या है, इसका पहले मौजूद से और रवान क्या ताल्लुक क्या है, दोनों में आपस में क्या मुआफ़त है। एक इंसान का कलाम दूसरे कलाम के साथ मुआफ़त रखता है, वरना आप कहते हैं कोई ढाके की को बंगाले की, कोई कहीं की को कहीं की, हैं भानवती ने कुनबा जोड़ा, जो इधर उधर की बातें करते हैं आप उसको मिसालें देते हैं या नहीं। तो ये कलाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। इसका इन दोनों आयात के दरमियान तवाफुक क्या है, उलमा ने तवाफुक ये लिखा है कि अल्लाह ने आगे फरमाया ला यबगून अनहा हिवला, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत से निकलने की कभी भी आरजू नहीं करेंगे, हमेशा जन्नत में रहेंगे। ये नहीं करेंगे मरी गए हैं, एक बार गए हैं, दो बार देख गए हैं, तो यार कई बारी तक गए हैं, की जाना है, छड़ो परा किसी और था चलिए, कहते हैं या नहीं कहते। वो यहां तो कई बार गए हैं, वहां जाने का क्या फायदा, किसी और जगह जाए। लेकिन जन्नत में जाके ये तसव्वुर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुफस्सरीन ने लिखा है कि जन्नत के मनाजिर आए दिन बदलते रहेंगे, फलों के जायके आए दिन बदलते रहेंगे, खाने पीने वाली चीज़ों के जायके आए दिन अल्लाह तब्दील करता रहेगा। जहां आँखों को खीरा करने के लिए, लबो दहन की तवाज़ों के लिए हर रोज नए से नए मंजर होंगे, वहां निकलने का प्रोग्राम कैसे होगा। बात समझे, वहां निकलने की फिक्र, वहां कहीं और जगह जाने का तसव्वुर, ये कैसे होगा। आप घरों में रोजाना गोश्त खा सकते हैं, कहेंगे कल भी गोश्त, कल हो या दाल पर गाओ आज है या नहीं, उसका जायका अलहदा, इसका जायका अलहदा। लेकिन वहां इमाम राजी अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाए, वो फरमाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो फरमाते हैं कि जन्नत के खाने जन्नती भूख की वजह से नहीं खाएंगे, लज्जत हासिल करने की वजह से खाएंगे। बात समझो, भूख अगर लगी जन्नती को फिर तो जन्नती मोहताज हो गया, जन्नती मोहताज हो गया। भूख लगेगी बोलो बराज आएगा, ना जन्नती को बोलो बराज, ना जन्नती को भूख, ना जन्नती को थकावट, कुछ भी नहीं, ना भूख ना थकावट ना बोलो बराज। आपको डकार आएगा अल्लाह नसीबे में करे तो ऐसे जैसे मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही, इसी से सब कुछ हजम हो जाएगा, ना पेशाब की हाजत ना बखाने की हाजत। जराजी कहते हैं कि जन्नती भूख की वजह से नहीं खाएगा, लज्जत हासिल करने के लिए खाएगा। और एक फल की आज आम खाते हैं, ये दुशहरी है, ये चौसा है, ये सिंदरी है, जायके है ना अलहदा अलहदा, वहां भी जायके वो उदू में ही मुतशाबे हा हांग होंगे, यही क्यों हो गए। इसमें फिर हिकमत है, ये मुशाबे क्यों अल्लाह ने फरमाया, जो चीज खाई ना हो उसका पता नहीं होता इसको किस तरह खाना है, ये हकीकत है या नहीं। जो पहली बार मेज पे आई हो, इसके कई वाक्यात हैं, लतीफे के पर लतीफे, कई वाक्यात हैं, चीज सामने पड़ी है खा नहीं रहा, इसको खाना कैसे, वो घर वाला बतला देखेंगे उसको, वो इसको किस तरह खाता है, फिर मैं भी उसी तरह खाऊंगा, कई वाक्यात हैं इस किस्म के। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वउतूबे ही मुतशाबिहा, होंगे आम ही होंगे, खजूरे ही होंगे, अनार ही होंगे, अंगूर ही हैं, लेकिन जायके अलहदा रहे, हो जम अलहदा अलहदा, हो जम अलहदा अलहदा,
ذائقے علیحدہ علیحدہ. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ پوچھتے ہیں, حضور آج عجیب معاملہ ہوا, نماز پڑھاتے ہوئے آپ ایک قدم آگے ہوئے اور کسی چیز کو پکڑنا چاہا, کیا پکڑنا چاہتے تھے, کیا تھا, کیا پکڑنا چاہتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں مجھے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا, جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ دکھایا گیا. فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور تمہیں کھلاؤں, میں نے چاہا کہ پکڑ لوں لیکن نہ پکڑا جا سکا, غائب کر دیا اللہ نے, اور اگر میں وہ پکڑ لیتا تو تم ایک گوشہ بھی سارے مدینے کیا ارد گرد کے لوگ بھی مل کے ختم کرتے تو نہ ختم ہوتا. یہ ایک گوشہ جنت کا کیا, ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ اکبر, جنت کے حالات کا نہ کبھی کسی نے ذائقہ چکھا, پھل یہی ہے لیکن وہ ذائقہ نہیں چکھا, ذائقہ ہی نہیں بلکہ کانوں نے اس کے تذکرے ہی نہیں سنے. اچھا جی کانوں نے نہیں سنے, نہیں بلکہ کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے. بائی باری بباری ما لا ما سمعت, کسی کان نے نہ سنے نہ زبان نے نہ دل میں کھٹکا کہ جنت ویسے ایسی ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے, جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرما, اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر لے جائیں, اور اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما. عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام, بہت سی باتیں, یہ اللہ کا کلام ہے, کلمات و ربی اللہ کے کلمات ہیں. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں کیا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التی لا یضر ما اسمہ شیء. یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تعبد ہے, کس سے تعبد ہے؟ کلمات سے. اگر کلمات مخلوق ہے تو ہم پناہ مخلوق سے مانگتے ہیں یا خالق سے؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے, سیدھا سا مسئلہ. نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ میں تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں, تو یہ پناہ اللہ کے کلمات سے اللہ کی ہے نا. اگر کلمات مخلوق ہے تو پھر کلمات مخلوق ہے تو پناہ کس کی ہوئی؟ اللہ کی تو نہ ہوئی, پھر مخلوق کی ہوئی. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے, جو امام الموحدین ہو, جو موحدین, یہ بھی امام سب انبیاء کے امام علیہ السلام, پوری امتوں کے امام, کیا ان سے یہ تصور ہو سکتا ہے کسی ادنا سے ادنا شرک کا؟ کلا و ثم کلا. اس لیے یہ کلام پہلا آسن اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آسن کس لیے ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کے کلام کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین کتاب, بہترین چیز تمہارے اوپر نازل کی. اللہ اکبر کبیر. اور پھر اس کے بہتر ہونے کا, اس کے بہتر بہترین ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے, بہت سے سبب ہیں, کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا, نہ اس کے موضوعات کے حوالے سے, نہ اس کے عربی زبان کے حوالے سے, نہ اس کی بشارتوں کے حوالے سے, نہ ماضی کے واقعات دہرانے کے حوالے سے. وہ بھی سچی, آئندہ کی خبریں بھی قرآن نے جو بیان کی ہے وہ بھی سچی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں جو قرآن مجید سے بتلایا وہ بھی سچا. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اللہ کے کلمات سچے, وہ مکمل ہو چکے, وہ مکمل ہو چکے, اس میں تکمیل کا کوئی تصور نہیں. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, سچے بھی, سچائی پر بھی مبنی, اور عدل و انصاف پر بھی مبنی. انصاف ملے گا تو یہاں سے, سچائی ملے گی تو قرآن سے, ہدایت ملے گی. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھو اقوم, ہدایت ملے گی تو اس قرآن سے. ذالک ھدی للمتقین, نزل اللہ, وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدایت کا صحیفہ کس کیا ہے؟
इसके अलावा कहीं और से आपको हिदायत नहीं मिलेगी। जो इसके अलावा कहीं और से हिदायत ढूंढता है वो गुमराही है, वो जलालत है, वो कुफ्र व शिर्क है। हिदायत इस किताब से, जो इसकी मुआफ़कत में है, जो इसकी मुताबकत में है, वो हिदायत है। इसके बरा किसी और चीज में हिदायत नहीं है। इसलिए ये इसलिए मानी के एतबार से, अहकाम के एतबार से, अपने जुबान के एतबार से कुरान मजीद ने पहले तो ये कहा, अल्लाह ने पहले ये फरमाया, अगर तुम्हें कोई मामला है इस कुरान के बारे में आओ मुकाबले में, तुम भी पेश करो ऐसा कलाम। आप सुनते रहते हैं ये मौजू, पेश करो, तुम ही नहीं सारे काफिर मिल जाए और सारे जिन मिल जाए, सब मिलके भी इंसान और जिन कुरान जैसा कलाम पेश कर सकते हैं। ये किनको चैलेंज है? सबसे पहले अरब। अरब को अरब क्यों कहते हैं? अरब अरब के अलावा अजम क्यों कहते हैं? वो कहते हैं ये अजम है, अजम के माना है गूंगा, उनको बोलना नहीं आता। अरब के माना है फसीह हो वसी जुबान, वो कहते हैं सबसे फसीह और बड़ी जुबान अरब है। बाकी जुबानें उलमा ने तो इस पर भी किताबें लिखी हैं कि बाकी जुबानें अक्सर व बेशतर इसी अरबी से निकली हैं। इसी अरबी से बहुत से अल्फाज हैं जो दूसरी जुबानों में इसी अरबी में मौजूद हैं। तो खैर, अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह दुल जलाल का ये कलाम है और आसर है, इसका एक मफहूम ये है कि इसका कोई मुकाबल नहीं है। आप अंदाज़ा करें, लबीद बहुत बड़ा शायर था, इतना बड़ा शायर था कि सूके उकाज में शायरों ने उसको सजदा किया था, उसके कलाम को सुन के। उसका लकब मस्जूद व शोरा था, मस्जूद व शोरा लकब उसका है कि ये लबीद वो है जिसको शायरों ने सजदा किया। बल्कि लिखा है कि अश्माई जो अपने वक्त का बहुत बड़ा अदीब और शायर था, वो जा रहा है सहारा में और एक अरब दरख्त के साथ टेक लगाए हुए झूम झूम के लबीद का कलाम पढ़ रहा है। ये अश्माई घोड़े से उतरा और कलाम लबीद का पढ़ने वाले के सामने सीधा रेज हो गया। तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगा, तुम्हें क्या मालूम है कि जो तुम पढ़ रहे हो ये कलाम किसका है और इसकी अहमियत क्या है? तुम क्या जानते हो? मैं समझता हूं, जौहरी को पता होता है जौहर का, हर चमकने वाला हमें तो जौहर नजर आता है, लेकिन जौहर जौहरी समझता है कि ये चमकने वाला पत्थर है या जौहर है। ये अहले अरब वो अदीब वो समझते हैं कि ये कलाम कितना है। किस्सा मुख्तसर यही लबीद इतना बड़ा शायर था कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक हजार शेर लबीद का याद था, कुरान मजीद की इस्तिशहाद के तौर पर। लबीद का मशहूर शेर है, अला कुल्लु शैन मा खलल्लाह बातिलु, अला कुल्लु शैन मा खलल्लाह बातिलु। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अस्दकुल कलाम शोरा शेर कलामो लबीद, सबसे शायरों में से अच्छी बात जो है वो लबीद की। क्या? अला कुल्लु शैन मा खलल्लाह बातिलु, और अल्लाह के अलावा हर चीज मिलिया मेट होने वाली। ये कलाम उस वक्त का जब वो मुसलमान नहीं हुआ था, तब कहते अला कुल्लु शैन मा खलल्लाह बातिलु, हर चीज मिलिया मेट होने वाली है, बातिल है सवाए एक अल्लाह दुल जलाल वाले कराम की। आगे और कहता है लेकिन उस तरफ नहीं जाना चाहता। यही लबीद मुसलमान हुआ, पहले फारस में रहता था, फिर कूफे में उसने अपना घर बनाया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा अपने गवर्नर को कि लबीद को कहो कि अपना नफीस कलाम लिख के मुझे भेजे, नफीस कलाम लिख के मुझे भेजे। हजरत उमर का खत लबीद के पास आया, लबीद ने पढ़ा, वापसी जवाब लिखा, अबादल बकरा व आले इमरान, अमीरुल मोमिनीन बकरा और आले इमरान के बाद भी किसी और कलाम की जरूरत है? मैंने अपना कलाम छोड़ दिया है जब से बकरा और आले इमरान पढ़ी है। वो समझता था
कि इसका मुकाबला नहीं है। बहुत सी बातें इस हवाले से छोड़ता हूँ, अर्ज करने का मकसद ये था कि ये अहसनुल कलाम, अहसनुल अहसनुल किताब और अहसनुल कलाम क्यों है, इसका मुकाबला नहीं है। और जो कुछ इसमें है, जो मौजूआत हैं, जो अनामीर हैं, जो अहकाम हैं, उनका भी मुतबादल नहीं है। और हिदायत भी इसी से, और मेरे भाइयों हम मानते हैं ना ये किताबें हिदायत है, हम मानते हैं ना, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिन नास, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, हम मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, हिदायत की ये किताब है, हमने इससे हिदायत ली, इससे पूछे या अल्लाह हिदायत की बात कौन सी है, तेरे अहकाम क्या हैं, तेरे फरामीन क्या हैं। हमने तो इस पर जुजदान चढ़ा के अलमारी में रख दिया, इसको अल्फाज पढ़ना और उसको समझना, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, क्या आप नहीं जानते कि बड़ी मुश्किल से 20% है जिनको सिर्फ कुरान आता है, 100 में से 20 जो सिर्फ कुरान पढ़ सकते हैं, और जो समझते हैं मानी को समझते हैं वो तो शायद 100 में से 5 भी ना हो। यह हकीकत है या नहीं? फिर हम बार बार कहें ये किताबी हिदायत है, किताबी हिदायत है, किताबी हिदायत है, कि हिदायत मिल जाएगी हमें, हमें हिदायत मुयस्सर आ जाएगी, ये बार बार बात दोहराने से हमें हिदायत मिलेगी, इसको पढ़ने और इसको समझने से। आओ अहद करें कि अल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे, हम इसको पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी, ताकि अल्लाह हमें हिदायत नसीब हो जाए। आप पढ़ते हैं ना, हर नमाज में पढ़ते हैं या नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआएं करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कहां से मालूम होना है? इस कुरान से, इस अल्लाह के कलाम से। अगर इसका पता ही नहीं कि अल्लाह ने क्या फरमाया है कि ये है मेरा रास्ता, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू फाबुदू हादा सिरातुम मुस्तकीम, जब हम इसको समझेंगे ही नहीं तो हम क्या हिदायत पाएंगे। इसके लिए जरूरी है इसको समझना कि नहीं समझना, इसलिए हमें चाहिए कि हम हिदायत की बात ही ना करें बल्कि हिदायत हासिल करने की कोशिश करें, हिदायत हासिल करने की कोशिश करें। किताबें हिदायत है हमारे पास, लेकिन माजरत के साथ यहूदियों के पास किताबें हिदायत नहीं थी, उसको भी अल्लाह ने किताबें हिदायत कहा है, किताबें नूर कहा है, तौरात को भी किताबें हिदायत अपने वक्त में कहा है, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, नबजू हो वराज हूर है, बकरा में कहा है अल्लाह दुल जलाल ने या नहीं, कि इन जालमों ने तौरात और इंजील को पीछे छोड़ दी, पीठ दे दी। हम कुरान खुला हो तो पीठ तो नहीं करते, कमर तो नहीं करते, हुक्म हो तो परवाह नहीं करते। हाय मेरे अल्लाह, वराज हूर हम, जाहरी तौर पर तो हम बच जाते हैं, कोई हुक्म मानने के लिए तैयार और आमादा, और फिर दुआ ये करते हैं दिन सिरात मुस्तकीम, कैसे हिदायत आए, कैसे तौहीद आए, कैसे सुन्नत आए, कैसे नबी की पैरवी आए, और नबी के बारे में फरमाया मैं युते रसूल फ़कद अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत मेरे नबी की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। अल्लाह की इताअत किस में पिनहा है? अल्लाह के रसूल ने। ये किसने कहा? कुरान मजीद ने कहा। हम अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं तो किसकी हुक्म से करते हैं? अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह जुल जलाल ने बार बार हमें यही हुक्म दिया कि मेरी इताअत करो मेरे रसूल की, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये कुरान का हुक्म, कुरान ने जो फरमाया है, अल्लाह ने जो फरमाया है, हमें उसको उस पर चुंगल मारनी चाहिए, उस पर मुदामत इख्तियार करनी चाहिए, उससे हिदायत लेनी चाहिए। माओ शुमा को हिदायत का मरकज, या किसी और किताब को, किताब को हिदायत का मरकज समझना जरूरी नहीं, जरूरी है समझ के है ही नहीं। मुझे बात याद आई शेख मुजद्दद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, नाम से कम वाकिफ़ है लेकिन मुजद्दद साहब के नाम से तो वाकिफ़ है ना, उनके इस लकब से।
مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، دوسرے ہزار کے مجدد، یہ کیسے مجدد تھے؟ اس دور میں خانقاہی نظام میں، مدارس میں دو کتابوں کی چلک تھی، فصوص الحکم کی اور فتوحات مکیہ کی، فصوص الحکم کی اور فتوحات مکیہ کی، یہ دونوں کتابیں شیخ ابن عربی کی ہیں۔ علماء سمجھتے ہیں ابن العربی کون ہے اور ابن عربی کون ہے، یہ ابن عربی کی تھی۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، مارا نس بکار نہ بفس، ہمیں فصوص اور حکم نہیں چاہیے، قرآن و سنت کی نس چاہیے۔ مارا بنسکار نہ بفس، بات سمجھے، مارا بنسکار نہ بفس، فصوص الحکم نہیں، نس چاہیے کتاب و سنت کی۔ فرماتے ہیں، او فتوحات مدینہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ فتوحات مدینہ کیا مطلب؟